तो यार मेरा नाम है रोहित और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ थीम्स की। अगर आप अपने डिवाइस को कुछ रोमांचक बनाना चाहते हैं तो एक आधा थीम अप्लाई करके देख लीजिए, शायद आपको पसंद आ जाए। और पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये थीम का नाम है वन प्लस एक्स, ये आपको थीम स्टोर में मिल जाएगा। तो लॉक स्क्रीन कुछ इस प्रकार की है, तो यहाँ पर अगर आप टैप करते हैं तो आप क्लॉक जो है वो चेंज कर सकते हैं, जो कि यार देखने में काफी अच्छी लगती है, होम स्क्रीन की भी एंड लॉक स्क्रीन की भी। तो होम स्क्रीन में कुछ इस प्रकार का विजेट है दोस्तों, और यहाँ पर वन प्लस जैसे ही आपको जो है वो आइकॉन पैक देखने को मिलता है, जो सिंपल है, राउंड शेप में मिल जाता है। बात करें यहाँ पर कंट्रोल सेंटर की, तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ इस प्रकार का कंट्रोल सेंटर आपको मिलता है, जो कि यार ठीक ठाक है, आपको यूनिक लुक देगा। और आपका चार्जिंग आप देखेंगे ऊपर, चार्जिंग जो है वो काफ़ी यूनिक कर दी गई है, चार्जिंग का जो आइकॉन है, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। तो बात करें फ़ोन डायलर की, तो आपको कुछ इस प्रकार का फ़ोन डायलर देखने को मिलता है। अगर आपका गूगल का फ़ोन डायलर है तो वो चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर बात करें सेटिंग्स की, तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार की लुक देखने को मिल जाती है सेटिंग्स की, जो कि यार देखने में काफी अच्छी लगती है। आप देखेंगे एक यूनिक लुक आपको यहां पर मिल जाती है। और यहां पर नीचे आपका जो नेविगेशन बार है वो भी काफी चेंज कर दी गई है, ज्यादा नहीं है पर आपको चेंज जरूर मिलेगी। और अगर आपका डिवाइस बूट एनिमेशन को सपोर्ट करता है तो आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा बूट एनिमेशन भी वन प्लस का देखने को मिलेगा। तो यार ये एक अच्छा लुक आपको प्रोवाइड कर देगा। पर्पल वेव ये भी आपको थीम स्टोर में मिल जाएगा। लॉक स्क्रीन आपको कुछ इस प्रकार की देखने को मिलती है, ये चार्जिंग एनिमेशन है और यहाँ पर आपको कुछ शॉर्टकट्स देखने को मिल जाते हैं, जो देखने में यार काफ़ी अच्छे लगते हैं। आप देखेंगे काफ़ी यूनिक लुक मिलती है यहाँ पर विजेट में भी, लॉक स्क्रीन में। होम स्क्रीन में आपको कुछ इस प्रकार का विजेट देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आप डबल टैप करके इसे चेंज भी कर सकते हैं, जो देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर आइकॉन पैक जो है वो कुछ इस प्रकार का है, आप देखेंगे आपको एक डिफरेंट लुक दे देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कम्बिनेशन किया गया है। बात करें यहाँ पर कंट्रोल सेंटर की, तो आपको थोड़ा सा यूनिक कंट्रोल सेंटर यहाँ पर देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं, तो देखने में ठीक ठाक लगता है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है पर ज़्यादा ट्रांसपेरेंट एंड थोड़ा सा राउंड कर दिया गया है, जो मेरे को ठीक लगा। अगर आपके डिवाइस में MI का फ़ोन डायलर है तो कुछ इस प्रकार का लगेगा, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। और बात करें यहाँ पर सेटिंग्स की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कुछ इस प्रकार की सेटिंग्स देखने को मिलती हैं, जो यार ठीक ठाक है। आप देखेंगे यहाँ पर आपका बैक जेस्चर्स जो हैं वो भी चेंज हो गए हैं, तो एक यूनिक लुक मिल जाती है आपको, मेरे हिसाब से अच्छा थीम लगेगा जब आप इसे ट्राई करेंगे। तो नेक्स्ट थीम का नाम है फिल्म, ये भी आपको थीम स्टोर में मिल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार की लॉक स्क्रीन आपको मिलती है, आपको विजेट काफ़ी सारे देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ से आप जाते हैं तो आपको ये वाला मिल जाता है कि आपने सिंपल रखना है या कुछ इस प्रकार का चाहिए, तो ये जो है वो थोड़ा सा यूनिक कर देता है इस थीम को। तो आइकॉन पैक जो है इस थीम का, तो वो कुछ इस प्रकार का है, आप देखेंगे कलरफुल है, छोटे छोटे हैं, तो मेरे को देखने में काफ़ी अच्छे लगे, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार का विजेट आपको होम स्क्रीन में मिल जाता है, तो यहाँ पर आप डबल टैप करके डिफरेंट डिफरेंट विजेट्स लगा सकते हैं, अगर आपको ये वाले पसंद हैं तो काफ़ी यूनिक कर देता है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का कंट्रोल सेंटर देखने को मिलता है, जो कि यह मेरे को ठीक ठाक लगा, कलरफुल है और आपको एक यूनिक लुक प्रोवाइड कर देगा। बाकी दोस्तों थीम जो है फुली सपोर्ट करता है डार्क मोड को, तो आपको कोई इश्यू यहाँ पर नहीं आने वाला। अगर सेटिंग्स में जाते हैं तो काफ़ी सारी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगी, यानी कि बिल्कुल ही चेंज कर दी गई हैं सेटिंग्स, अबाउट फ़ोन का सेक्शन भी चेंज किया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा बैक जेस्चर्स जो है आपको थोड़े से डिफरेंट देखने को मिलेंगे, बाकी दोस्तों थीम जो है काफ़ी अच्छा है, विदाउट एनी इशू काफ़ी अच्छी एनिमेशन मिल जाते हैं। लास्ट थीम है iOS 15 स्टेबल V2, ये भी आपको थीम स्टोर में मिल जाएगा। तो लॉक स्क्रीन आपको कुछ इस प्रकार की देखने को मिलती है, यहाँ पर आप टैप करते हैं तो आपको कुछ शॉर्टकट्स मिल जाते हैं, यहाँ से आप डाउन कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का कंट्रोल सेंटर देखने को मिलता है, जो एक आपको यूनिक लुक दे देगा। यहाँ पर काफ़ी सारे शॉर्टकट्स हैं, तो ये आपको यहाँ पर लॉक स्क्रीन में मिलता है। होम स्क्रीन में आपको कुछ इस प्रकार के आइकॉन देखने को मिलते हैं, जो कि बिल्कुल iOS जैसे ही लगते हैं, डॉक भी iOS जैसा ही लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के
विजेट हैं जिन्हें आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये वाले चाहिए तो आप क्लॉक चाहिए, मीडियम चाहिए या स्मॉल चाहिए, तो अगर आपको स्मॉल चाहिए तो आप ये लगा लीजिए तो स्मॉल मिल जाते हैं। अगर आपको मीडियम साइज़ चाहिए तो आप ये लगा सकते हैं, और यहाँ पर टैप करके आप डिफरेंट डिफरेंट विजेट भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो विजेट में के मामले में यार काफ़ी अच्छा है ये थीम, और यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का कंट्रोल सेंटर देखने को मिलता है जो कि यार ठीक ठाक है। अगर आपके डिवाइस में मी का डायलर है तो आपको कुछ इस प्रकार का फ़ोन डायलर देखने को मिलेगा, वरना जो गूगल का है वो चेंज नहीं होता है। सेटिंग्स में जाते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार की लुक देखने को मिलेगी, बिल्कुल iOS जैसी है पर काफ़ी क्रैम्प्ड कर दी गई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आपको ऐसे थीम पसंद हैं तो अच्छी बात है, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो बैक जेस्चर है वो भी डिफरेंट कलर का हो गया है। तो ये ठीक ठाक थीम है यार, अगर आपने ट्राई करना है तो आप कर सकते हैं। तो ये आज के थीम से होपफुली आपको कोई ना कोई ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो यह वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा।